कोविड के दौरान बंद हुए विद्यालयों को अब यूपी में खोलने की बात हो रही है। ऐसे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। सर, क्या कुछ है, अब फैसला हुआ, प्रस्ताव भेजा गया था, क्या कुछ निकल के आया है उसमें? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पूरे कोविड काल में इस पूरे संकट का इतना कुशल प्रबंधन किया कि जिस उत्तर प्रदेश में एक भी जांच की सुविधा नहीं थी, वह उत्तर प्रदेश 1.5 लाख से अधिक जांच प्रतिदिन कराने लगा। आज तेजी से टीकाकरण भी हो रहा है। प्रदेश में सभी क्षेत्रों में स्थितियां लगभग सामान्य हो चुकी हैं, इसलिए हमने अनुमति मांगी थी स्कूलों को खोलने की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमति प्रदान की है और अब हम आगामी 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8 उच्च के जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 मार्च से प्राथमिक विद्यालयों को कक्षा 1 से 5 तक के सभी स्कूलों को खोलने जा रहे हैं। सर, क्या कुछ रहेगा, मतलब प्रोटोकॉल्स लिए जाएंगे, बच्चे भी रहेंगे, छोटे रहेंगे, मास्क की, मतलब क्या कुछ प्रोटोकॉल रहेगा? बिल्कुल, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी भी वर्तमान समय में जो कोविड-19 के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी हैं, मास्क लगाने को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उन सभी दिशा निर्देशों का पालन सभी स्कूलों में किया जाएगा। मिड डे मील को लेकर जो व्यवस्था थी पहले, क्या इस दौरान भी होगी? हाँ बिल्कुल, कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जब हमारे बच्चे स्कूल आने लगेंगे तो हम उनको मिड डे मील की व्यवस्था भी, बीच में भी स्कूल बंद थे तब हम उनको उनके घर तक अनाज पहुंचा रहे थे, कन्वर्जन कास्ट उनके खाते में अभिभावकों को भेज रहे थे, लेकिन जब स्कूल खुल जाएंगे तो हम पहले की तरह मिड डे मील उपलब्ध कराएंगे सारे दिशा निर्देशों का, सावधानियों का पालन करते हुए। सर, मिड डे जैसे कि जब स्कूल खुलेगा तो इस तमाम ऑनलाइन की क्या मतलब व्यवस्था रहेगी, मतलब जो बच्चे पहले जैसे ऑनलाइन कोरोना चल रहा था इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, अब क्या स्कूल जो खुल रहे हैं उसमें ऑनलाइन की भी व्यवस्था रहेगी कि पूरा तरीके से खोले जा रहा है? देखिए, अभी हम दोनों व्यवस्थाओं में चलेंगे। बच्चे स्कूल आने लगेंगे तो जो वास्तविक शिक्षण कार्य कक्षा कक्षों में होता था वो भी होगा, समय समय पर जैसी ज़रूरत पड़ेगी ऑनलाइन शिक्षण भी चलता रहेगा। दूरदर्शन के माध्यम से जो हमारे शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं वो भी चलेंगे। जो विभाग हमारा शिक्षकों से सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहा है ऑनलाइन, वो भी चलेगा। हम बहुत सारे प्रशिक्षण के कार्य शिक्षकों के ऑनलाइन कर रहे हैं जिसमें हमारा समय भी बच रहा है, धन भी बच रहा है। ये सब प्रक्रियाएँ जारी रहेंगी। ऑनलाइन व्यवस्था को पूरी तरह से बंद नहीं करेंगे। अब ये एक उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश ने एक लोगों को कल्पना भी नहीं थी, और गांव गरीब आदिवासी मजदूर गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां भी ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था शुरू की, तो इस व्यवस्था को समाप्त नहीं करेंगे, यह व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध रहेगी। सर, निजी जो स्कूल हैं उनमें क्या वो भी इसी डेट में खुलेंगे? हाँ बिल्कुल, इन्हीं तिथियों पर जो सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश हैं कोविड-19 के संदर्भ में, उसका पालन करते हुए निजी स्कूल भी खोले जाएंगे। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी, जिन्होंने बताया कि पूरे प्रोटोकॉल के तहत स्कूल को खोला जाएगा, बच्चों का ध्यान रखा जाएगा, मिड डे मील की भी व्यवस्था होगी। सत्यम मिश्रा, यूपी तक।